हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था सभी स्टूडेंट्स का नंबर कैलकुलेट करके उनकी परसेंटेज को निकाला था। परसेंटेज निकालने के बाद हर स्टूडेंट को हमने अलग अलग ग्रेड्स दिए थे, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जो है हर स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रेड दिए थे। यह सभी हमने कैसे किया था, अगर आप सभी को जानना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप सभी को ये चीज़ आती है तो इसके बाद हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम डेटा वैलिडेशन की हेल्प से ड्रॉप मेन्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, इससे जो है ड्रॉप डाउन जैसे हम क्रिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स की लिस्ट उसमें आएगी। उसके बाद हम जो है यहाँ पे देखेंगे काउंट इफ का हमें कैसे यूज़ करना है, वी लुकअप का कैसे यूज़ करना है और मैच फंक्शन का कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो आपको एक ब्लैंक सेल पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको आना है डेटा में। डेटा में आने के बाद आपको क्लिक करना है वैलिडेशन पर। यहाँ आने के बाद आप सभी को यहाँ एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट करना है लिस्ट। अब आपको यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करना है, तो सोर्स में आपको उन स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी सिलेक्शन है उन सब स्टूडेंट्स का वो आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको करना है ओके। तो आप देखिएगा जितना भी आपने सिलेक्शन लिया था वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में वहाँ से यहाँ तक के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है आपके पास शो हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इसे अंकुश सेलेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका इंडेक्स नंबर जो है मेरे को यहाँ पर शो हो जाए, तो कैसे करूँगा मैं इंडेक्स नंबर शो यहाँ पे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्मूला है, हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं A10 डालता हूँ। यहाँ पे यहाँ से मेरे को लुकअप वैल्यू लेना है। लुकअप एरे पूछ रहा है तो लुकअप एरे में मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का पूरा डेटा बेस ले लेता हूँ। मैच टाइप मेरे को एकदम एग्जैक्ट रखना है और एंटर कर देना है। ऐसा करने से देखिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू आ चुकी है। इंडेक्स वैल्यू मतलब कि इस जो आपने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया है कि उसकी पोजीशन आपकी टेबल में कहाँ पे है, तो फर्स्ट नंबर पे है। तो देखिए अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अंकिता सिंह को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है। तो देख लीजिए यहाँ पे अंकुश 1 पे था, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पे है। अब मुझे इसका रोल नंबर प्रिंट करना है, तो रोल नंबर प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पे वी लुकअप का जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, रोल नंबर प्रिंट कराना है मेरे को। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो मैं यहाँ से ले लूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ठीक है, टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे में मैं इसका टेबल ले दूँगा जहाँ से इसको डेटा रिट्रीव करना है। तो मैंने इसको टेबल वैल्यू यानी टेबल एरे दे दिया है। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है जो मेरे को प्रिंट करना है, तो रोल नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर है 02, फर्स्ट नंबर है नेम ऑफ स्टूडेंट और सेकंड नंबर है रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं 02 एंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरे को एकदम एग्जैक्टली मैच कराना है, एंटर कर देता हूँ तो वहाँ पर उस स्टूडेंट का रोल नंबर भी मेरे सामने आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने सचिन कुमार सेलेक्ट किया तो देखिए इंडेक्स वैल्यू और रोल नंबर भी यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप रोल नंबर भी यहाँ से डेटा फेस्ट ले सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे इसका टोटल मार्क्स भी देखना है, इस स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स के लिए भी हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू यहाँ पे हमारी टेबल नंबर है, हमने इसको सिलेक्ट किया A10। ठीक है, हमने सेल वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब टेबल एरे पूछ रहा है तो आप अपना डेटा यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आप डेटा लेना चाहते हैं, मैंने डेटा दे दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, टोटल मार्क्स मेरा 8 नंबर पे है तो यहाँ पे मैं 08 कर देता हूँ और इसको मेरे को एग्जैक्टली मैच करा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी जो है से प्रिंट हो गए हैं। आप चाहे तो जितना चाहे डेटा उतना अलग अलग आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसे करने के बाद यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ इस टेबल में कितने स्टूडेंट्स को, अब सपोज़ कीजिए टेबल बहुत बड़ी है, अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला है, कितने को बी मिले हैं, कितने को सी मिले हैं। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम काउंट इफ का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, हम एक चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पर हम नेम मैनेजर का कैसे यूज़ करेंगे, जिसमें हम स्पेशली मैनुअली नेम टैग दे के जो है इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो ग्रेडिंग दी हुई है हर स्टूडेंट्स की अलग अलग है,
अलग अलग ग्रेड्स जो है हर किसी को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा रेंज जो देता हूँ वहाँ पे उस वो ना देने की जगह मैं सिंपली यहाँ पे जो है नेम टैग दे दूँगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है और यहाँ पे जहाँ पे J3 लिखा है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड GRADE और कर देता हूँ एंटर। अब जब मैं यहाँ पे डेटा रेंज देने की जगह जो है सीधा ग्रेड लिख दूंगा तो मेरे को डेटा रेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका फ़ायदा तब होता है फ्रेंड्स जब आपके पास बहुत सारे लोगों का लार्ज अमाउंट में डेटा है, उसमें से आपको डेटा फेच करना है, डेटा देखना है क्या है कैसा है। ठीक है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट मैं ग्रेड को टाइप कर लेता हूँ ABCD और लास्ट में है फेल। ठीक है, ये हमने 5 ग्रेड्स का यूज़ किया था। अब मुझे यहाँ पे डेटा जो है इसमें से रिट्रीव करना है, तो इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ का हम यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेटा रेंज पूछ रहा है, तो डेटा रेंज में हमने यहाँ से डेटा की रेंज तो ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी जो है एक नेम टैग जनरेट कर लिया था ग्रेड नाम का, तो यहाँ से हमें सेल्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं ग्रेड नाम का जो हमने नेम टैग लिया था उसको ले लेता हूँ और यहाँ पे क्राइटेरिया में इस वाली सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका नंबर है G11। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ G11, देखिए। ठीक है, और कर देता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया कि ए ग्रेड जो है पूरे उसमें एक स्टूडेंट को मिले हैं। अब मैं इसको ऑटोफिल की हेल्प से फिल कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इसने मेरे को सब बता दिया कि बी ग्रेड जो है किसी को नहीं मिला है, सी ग्रेड 3 को मिले हैं, डी ग्रेड 1 को मिला है और फेल 1 स्टूडेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इन सभी जगह हमने डेटा रेंज दिया था और यहाँ पे हमने नेम टैग की वजह से जो है हमने डेटा जो है यहाँ से रिट्रीव किया है। इसको नेम मैनेजर बोला जाता है एक्सेल की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।